हेलो दोस्तों, डिटेक्टिव क्रिस चैनल में आपका स्वागत है। आज का केस द मर्डर वेपन। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन सुनील रास्ते पर जा रहा था। तीन लोग हाथ में बंदूक पकड़ने के बाद सुनील का पीछा कर रहे थे। तीनों में से एक अपराधी ने गोली चलाई। सुनील घटनास्थल पर मर गया था। दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस अपराधी ने गोली चलाकर सुनील को मार डाला? उत्तर नीचे कमेंट करो दोस्तों। तो सही उत्तर है ए। विकल्प ए हत्यारा है। वह है जिसने गोली चलाई थी, क्योंकि उस बंदूक पर धुआं निकल रहा है। यह पहेली इतना ही था। तो चलो दोस्तों, और एक पहेली शुरू करते हैं। दो महिलाएं त्रिशा और दिशा तर्क दे रही थीं कि बच्चा उनका नहीं है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसका बच्चा है? अच्छे से चारों तरफ देखो दोस्तों, उत्तर मिल जाएगा। तो उत्तर मिल गया है तो नीचे कमेंट करो। तो सही उत्तर है, कमरे में एक साथ दिशा और बच्चे की एक तस्वीर है, तो बच्चा दिशा का है। ये पहेली इतना ही था। तो चलो दोस्तों, और एक पहेली शुरू करते हैं। तस्वीर को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी लड़कियां पार्टी कर रही हैं? अच्छे से देखो मेरे दोस्तों, उत्तर मिल गया है तो नीचे कमेंट करो। तो सही जवाब है 6 लड़कियां। दरवाजे के बाहर 6 सैंडल हैं, इसलिए 6 लड़कियां घर पर पार्टी कर रही हैं। यह पहेली इतना ही था। तो चलो दोस्तों, और एक पहेली शुरू करते हैं। दिनेश के तीनों बच्चे एक साथ खेल रहे थे। तभी दिनेश के ध्यान में आया कि उनमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया है। चिकू, मिकू, पिंकू, ये तीनों में से किसने किया होगा? तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इन तीनों में से कौन निशान लगाया है? तो सही उत्तर है मिकू। दीवार पर निशान ऊंचाई पर था और चिकू पिंकू अपने कद की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकते थे। मिकू का कद बड़ा है, इसलिए यह उसने ही किया है।
आज के लिए इतना ही था मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में।